तो दोस्तों, ये है असम राज्य के 10 सबसे बड़े एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। नंबर 10 पर है सिलचर रेलवे स्टेशन, जो सिलचर शहर में स्थित शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसे वर्ष 1898 में नेटर गेज में ओपन किया गया था। इसे 2015 में बिनोट गेज में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म एंड नो ट्रैक्स है। स्टेशन कोड SCL है। यहाँ से 18 ट्रेन अपनी जर्नी शुरू करके और यहीं पर आकर ख़त्म करती है। नंबर 9 पर है बदरपुर रेलवे स्टेशन। इसे भी 1898 में ओपन किया गया था, फिर वर्ष 2015 में बिनोट गेज की सुविधाएँ चालू की गई है। BPB स्टेशन कोड है। हल्टिंग ट्रेन 49 है एंड यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम वगैरह जैसी लंबी रूट वाली गाड़ियाँ मिलती है। मरियनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि जोरहाट जिला का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन में आता है और जोरहाट शहर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म एंड 5 ट्रैक्स है। MXN स्टेशन कोड है। अप डाउन 36 ट्रेन का यहाँ पर स्टेबिस है। वहीं एक गाड़ी यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती है और यहीं पर आकर टर्मिनेटिंग करती है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है न्यू तिनसुकिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये तिनसुकिया शहर में स्थित है। NTSK स्टेशन कोड है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म एंड 12 ट्रैक्स बिछी हुई है। यहाँ पर अप डाउन कुल 30 गाड़ियों का हाल्ट है। वहीं 5 गाड़ियाँ यहीं से अपनी यात्रा शुरू करके फिर यहीं पर आकर ख़त्म करती है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, जो डिब्रूगढ़ शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है एंड असम में गुवाहाटी के बाद सबसे ज्यादा ट्रेन यहीं से यात्रा शुरू करती है। यहां 4 प्लेटफार्म एंड 18 ट्रैक्स है। DBRG स्टेशन कोड है। यहां पर 2 सेक्शन, लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन और रंगिया मुर्कुंग सेलेक सेक्शन वाया बगीबिल ब्रिज आकर मिल जाती है। यहाँ से 21 ट्रेन अपनी यात्रा शुरू करती है, जिनमें गुवाहाटी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसी मेजर ट्रेन भी शामिल है। असम के सबसे बड़े एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन की टॉप लिस्ट में नंबर 5 पर है लमडिंग रेलवे स्टेशन। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां पर गुवाहाटी लमडिंग सेक्शन, लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन, लमडिंग बदरपुर सेक्शन आपस में आकर मिल जाती है। यहां पर 5 प्लेटफार्म है। LMG स्टेशन कोड है। ये होजाय जिला में आता है। अप डाउन कुल 50 ट्रेन का यहाँ पर हाल्ट है एंड 3 ट्रेन यहीं से अपनी जर्नी शुरू करती है। नंबर 4 पर है रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव, गुवाहाटी बरौनी लाइन, रंगिया मुर्कुंग सड़क सेक्शन आपस में मिल जाती है। यहाँ पर 5 प्लेटफार्म है। इसे 1909 में ओपन किया गया था। RNY स्टेशन कोड है। 2021 में यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं डबल लाइन का काम तेज गति से किया जा रहा है। रंगिया से होकर अप डाउन 79 रेलगाड़ियाँ हल्ट करती हुई गुजरती है, जबकि 9 ट्रेन यहाँ से जर्नी शुरू करके यहीं पर आकर टर्मिनेट करती है। असम के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में तीसरे नंबर पर है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन गुवाहाटी का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है एंड यहाँ पर मालेगांव में नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी स्थित है। KYQ स्टेशन कोड है। यहाँ पर 4 प्लेटफार्म है। अप डाउन 80 गाड़ियों का स्टॉपेज है, जबकि 17 ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा शुरू और वापस आकर यहीं पर टर्मिनेट करती है। इस सूची में दूसरे स्थान पर है न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पूरे भारत में एकमात्र किसी नदी के ऊपर बना हुआ रेलवे स्टेशन है। ये पश्चिमी असम का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इसे 1965 में ओपन किया गया था। यहाँ पर गुवाहाटी बरौनी मेन लाइन, हुबली गुवाहाटी ब्रांच लाइन, न्यू बंगाईगांव ग्वालपराटन गुवाहाटी ब्रांच लाइन आपस में मिलते हैं। 10 ट्रैक्स के साथ 7 प्लेटफार्म है। NBQ स्टेशन कोड है। यहाँ पर अप डाउन 119 गाड़ियों का हाल्ट है। वही 7 ट्रेन यहीं से खुलती है और यहाँ पर आकर टर्मिनेट करती है। नंबर 1 पर है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि शहर के बिल्कुल बीच में स्थित भारत का A1 कैटेगरी स्टेशन है। GHY स्टेशन कोड है। इसे वर्ष 1900 में ओपन किया गया था। साल भर में 20 मिलियन वहीं प्रतिदिन 80,000 पैसेंजर यहां से अपनी मंजिल को हो लेते हैं। 7 प्लेटफार्म एंड 14 ट्रैक्स है। यहां पर 55 अप डाउन ट्रेन का हाल्ट है, जबकि 39 ट्रेन यहीं से अपनी जर्नी शुरू करती है और यहां पर आकर टर्मिनेट करती है। तो दोस्तों, ये थे असम के 10 सबसे बड़े एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए।